डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंतर्गत पीएसयू हमने देख लिया, अब हम देखेंगे कुछ स्टेचुटरी बॉडी, कुछ सांविधिक निकाय, अर्थात ऐसी बॉडीज जिनकी स्थापना पार्लियामेंट द्वारा की गई है। पहला है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, TRAI, शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं ट्राई। इसकी स्थापना 1997 में की गई, मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका कंपोजिशन जानना जरूरी है, स्टेचुटरी बॉडी है, कभी कभी कंपोजिशन पूछ लिए जाते हैं। इसमें एक चेयरमैन होता है, मैक्सिमम टू फुल टाइम मेंबर, मैक्सिमम टू माने नॉट मोर देन टू, या तो एक हो सकता है या दो, लेकिन दो से ज्यादा नहीं, मैक्सिमम टू फुल टाइम मेंबर। फुल टाइम मेंबर यानी इनका एक निश्चित टेन्योर होगा, है ना, और मैक्सिमम टू पार्ट टाइम मेंबर, पार्ट टाइम माने कभी कभी इनको रखा जा सकता है, कभी नहीं भी रखा जा सकता। तो कुल मिलाकर इस प्रकार से यदि हम देखें ट्राई का, तो एक पांच लोगों का पूरा एक बोर्ड होता है, एक चेयरमैन, दो फुल टाइम मेंबर, दो पार्ट टाइम मेंबर, ठीक है। चलिए, इसका काम क्या है, इट एक्ट्स एज अ रेगुलेटर, ये एक रेगुलेटर की तरह काम करता है, एक नियामक बॉडी है। किस किस चीज को रेगुलेट करती है, पूरे टेलीकॉम सेक्टर को, टेलीकॉम सेक्टर में कॉल ड्रॉप, कॉल रेट, कॉल ड्यूरेशन, तमाम इन चीजों के लिए नियम कानून बनाना, ब्रॉडकास्टिंग टीवी वगैरह के लिए, ठीक है, टेलीविजन, रेडियो, एफएम, जो कुछ भी ब्रॉडकास्ट किया जाता है, केबल सर्विसेज, जो हम लोग टीवी में केबल सर्विस देखते हैं, और डीटीएच सर्विस, इन सब के लिए नियम कानून बनाना, उनको रेगुलेट करना इस संस्था का काम है। कई बार हम लोग अपने मोबाइल वगैरह पे देखते हैं कि ट्राई किया, देश अनुसार ऐसा किया गया है, ये डॉक्यूमेंट आप जमा करेंगे तो उससे मिलेगा, इस प्रकार के तमाम नियम कानून ट्राई के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। चलिए, अब इसमें यहां पर एक बात ध्यान रखना है कि ये जो ट्राई है, ये अपनी स्थापना के बाद टेलीकॉम सेक्टर में जो भी डिस्प्यूट होते थे उसको ये ही सेटल किया करता था, लेकिन 2000 में टेलीकॉम सेक्टर के डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए एक अलग से स्टेचुटरी बॉडी बनाई गई और उसका नाम रखा गया टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपेलेट ट्रिब्यूनल, TDSAT, ठीक है। वर्ष 2000 में इसकी स्थापना की गई, इसका हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में है, इसका कंपोजिशन एक चेयरमैन और दो फुल टाइम मेंबर इसमें होते हैं। इसका काम क्या है, टेलीकॉम सेक्टर में ऑपरेटर और सरकार के बीच में, ऑपरेटर और पब्लिक के बीच में, ऑपरेटर और ऑपरेटर के बीच में, किसी भी दो ऐसे व्यक्ति जिनके बीच में कोई टेलीकॉम रिलेटेड विवाद हो, उस विवाद को सेटल डाउन करने के लिए ये मामला यहां पर आता है। हालांकि इसकी अपील फिर सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। अब हम देखते हैं अटैच्ड ऑफिस इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अंडर डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, सॉरी, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंतर्गत जो स्टेचुटरी या जो अटैच्ड ऑफिसर्स हैं उनके बारे में देखते हैं। पहला है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, ये कोई संस्था नहीं है, ये फंड है जो सीधे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के कंट्रोल में रहती है। इस फंड, ये एक स्टेचुटरी फंड है, यानी पार्लियामेंट ने कानून बनाकर के इस फंड की स्थापना की थी 2002 में। टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू टेलीकॉम ट्रांस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, टेलीकॉम सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो खर्चा है, उस खर्चे की व्यवस्था हेतु इस फंड की स्थापना की गई थी 2002 में। इस फंड में पैसा कहां से आता है, द सम इज अरेंज्ड बाय यूनिवर्सल सर्विस लेवी, जितने भी भारत में टेलीकॉम सेक्टर के ऑपरेटर हैं, वो अपने ग्रॉस रेवेन्यू जो अर्न करते हैं साल भर में, उसका 5% लेवी के रूप में सरकार को देते हैं, ठीक है। वही जो 5% दिया जाता है वो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड में जमा किए कर दिया जाता है लेवी के रूप में। ये भारत के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का ही एक पार्ट है, उससे अलग नहीं है, ठीक है। तो भारत की कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो USOF है, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड है, उसको मेंटेन किया जाता है, लेकिन उसका हिसाब रखा जाता है कि इसमें USOF के अंतर्गत कितना पैसा आया, और प्रति साल जितना पैसा आता है उतना पैसा सरकार पार्लियामेंट से पास करा करके और जो है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को दे देती है, ठीक है।
इस फंड में जो पैसा आता है इट इज नॉन लैप्सिबल। नॉन लैप्सिबल का मतलब मान लीजिए कि पिछले साल इस फंड में 100 रुपए आया था लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने 90 रुपए ही खर्च किया, 10 रुपए बच गया, तो वो 10 रुपए लैप्स नहीं होगा, वो 10 रुपए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के पास में पड़ा रहेगा। कुल मिलाकर के प्रति साल जितना पैसा इस फंड में आता है यदि उससे कम भी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन खर्च करती है तो बाकी बचा हुआ पैसा सरकार किसी और काम में नहीं लगाती, वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के पास ही इस फंड में रखा रहता है और उस फंड का उपयोग केवल और केवल इंडिया में टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए, टावर्स लगाने के लिए, ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के लिए, रूरल एरिया में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए किया जाता है। इज इट क्लियर? चलिए दूसरा है वायरलेस मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन WMO। WMO एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी है, ठीक है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो कंफ्यूज नहीं होना है। वायरलेस मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन, इसका काम क्या है कि भारत में मोबाइल जो वायरलेस सिस्टम जितना कुछ भी है उसको मॉनिटरिंग करना। वायरलेस मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत इंस्टीट्यूट है वायरलेस मॉनिटरिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेंटर नई दिल्ली में, ठीक। टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर TEC, ये टेक्निकल आर्म ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजिकल स्टैंडर्ड्स फॉर टेलीकॉम इक्विपमेंट। भारत में जितने टेलीकॉम इक्विपमेंट बनते हैं लैंडलाइन से लेकर के वायरलेस तक, मोबाइल तक के लिए जो इक्विपमेंट बनते हैं या हम बाहर से जो इक्विपमेंट खरीदते हैं उन इक्विपमेंट को एक स्टैंडर्ड के तहत चेक करना और फिर उसको ओके करना जो है इस संस्था का काम है। इज इट क्लियर? यदि कोई इसके पैरामीटर में यदि कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई इक्विपमेंट फिट नहीं बैठता तो वो उसको कैंसिल कर देते हैं। चौथे नंबर पे है नेशनल सेंटर फॉर कम्युनिकेशन सिक्योरिटी, बेंगलोर में ये सेंटर है, ये भारत में कम्युनिकेशन सिक्योरिटी को मेंटेन करने का काम करती है, ठीक है। इसका काम है सिक्योरिंग टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन। जो हमारे यहाँ टेलीकॉम सेक्टर में जो कुछ भी चीज ऑपरेट होता है उसकी सिक्योरिटी को टेस्ट करना और उसको सर्टिफाई करना फाइनली इस संस्था का काम है। इसने एक अपना इसकी एक जो इंस्टीट्यूट है इसकी एक वो है सिक्योरिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड फैसिलिटी नई दिल्ली में इन्होंने एस्टैब्लिश कर रखी है, ठीक है। नेशनल टेलीकम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी रिसर्च इनोवेशन एंड ट्रेनिंग NITPRIT, ये एक इंस्टीट्यूट है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंतर्गत, गाजियाबाद में ये लोकेटेड है, ठीक है। तो अब आप नाम से ही पता चल सकता है कि टेलीकॉम सेक्टर में पॉलिसी के क्षेत्र में रिसर्च करना, इनोवेशन करना और ट्रेनिंग प्रदान करना इस संस्था का काम है। छठवें नंबर पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन फिनेंस, ठीक है, कम्युनिकेशन सेक्टर में फिनेंस की ऑडिटिंग वगैरह करना, उसकी पूरी एक अकाउंटिंग करना, ये सब इस इंस्टीट्यूट का काम ही नई दिल्ली में लोकेटेड है। अब यहां एक बात ये ध्यान रखनी है कि ये इंस्टीट्यूट कम्युनिकेशन फिनेंस के नाम से तो जानी जाती है लेकिन ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का पार्ट नहीं है, ये डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग के अंतर्गत आती है, माने कार्मिक प्रशिक्षण विभाग के अंतर्गत ये आती है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंतर्गत ये संस्था नहीं आती लेकिन उस संस्था के लिए काम करती है। या ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के साथ इनका टाई अप है कि आप हमारे कम्युनिकेशन से रिलेटेड ऑडिटिंग और अकाउंटिंग का काम आप करेंगे, ठीक है। अब टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड इंडिया में कुछ फैक्ट्स हैं, उन फैक्ट्स पर हम नजर डालते हैं। भारत में जो पॉपुलेशन है वो 1.3 बिलियन और भारत में जो आधार कार्ड की संख्या है वो है 1.23 बिलियन। टेलीफोन की संख्या भारत में फिक्स लाइन प्लस लैंडलाइन दोनों मिलाकर के 1.20 बिलियन। इंटरनेट यूजर्स भारत में है 660 मिलियन और इंटरनेट यूजर 660 मिलियन और स्मार्टफोन भारत में है 450 मिलियन। टेलीफोन नेटवर्क जो है भारत का वो दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट है और टेलीफोन मार्केट भी हमारा जो है वो दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट है। अब हम बात करते हैं टेलीडेंसिटी। टेलीडेंसिटी क्या है, उसकी परिभाषा क्या है? नंबर ऑफ टेलीफोन्स पर 100 पीपल, प्रति 100 व्यक्ति के पास कितने टेलीफोन है, फिक्स लाइन या लैंडलाइन दोनों मिलाकर के, उसको कहा जाता है टेलीडेंसिटी। भारत में ये टेलीडेंसिटी इस समय 90 है। इसका मतलब ये है
कि एवरेज भारत में हर 100 व्यक्ति के पास 90 टेलीकॉम इक्विपमेंट है, चाहे लैंडलाइन हो या फिक्स लाइन हो, ठीक है, सॉरी चाहे फिक्स लाइन या लैंडलाइन हो या चाहे मोबाइल, ठीक। अब जब हम रूरल क्षेत्र में देखते हैं इसको टेलीडेंसिटी को, कि रूरल क्षेत्र में कितना है, इंडिया में एवरेज तो 90 है, रूरल क्षेत्र में यह भी बहुत कम है 58, यानी रूरल क्षेत्र में पर 100 व्यक्ति में से 58 व्यक्ति के पास मोबाइल का जो है मोबाइल है। अर्बन क्षेत्र में 160, यानी हर 100 व्यक्ति के पास 160 इक्विपमेंट है, यानी ज्यादा है, हर व्यक्ति के पास औसतन 1.5 मोबाइल के आसपास जो है वो आंकड़ा आता है, ठीक है। अब ये जो टेलीडेंसिटी है ये भारत में सबसे ज्यादा कहां है और सबसे कम कहां है, हाईएस्ट टेलीडेंसिटी है भारत में हिमाचल प्रदेश में 147, उसके बाद है केरल 126, फिर है पंजाब 125, तमिलनाडु 117 और फिर कर्नाटक 110। तो ये टॉप 5 स्टेट्स ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ डिक्रीजिंग टेलीडेंसिटी। अब हाईएस्ट टेलीडेंसिटी अमंग मेट्रोपॉलिटन्स, हमारे जो 4 महानगर हैं उन महानगरों में सबसे ज्यादा जो डेंसिटी है टेलीडेंसिटी वो है दिल्ली में 240, मुंबई में 170, कोलकाता में 166 और चेन्नई में 162। लोएस्ट टेलीडेंसिटी कहां है, बिहार में, लोएस्ट टेलीडेंसिटी बिहार में 60, इसके बाद असम में 69, उत्तर प्रदेश में 70, मध्य प्रदेश में 71 और वेस्ट बंगाल में 72, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स इन इंडिया, ठीक है, नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स जो इंडिया है ये मैं आपको बता रहा हूं मार्च 2019 की कंडीशन, ठीक है, अभी नया आंकड़ा आ गया है मार्च 2020 में, तो ये बढ़कर के 720 मिलियन के आसपास हो चुका है, ठीक है। लेकिन अभी जो पुराना डाटा है हम उसी पे बात करेंगे, क्योंकि नया डाटा अभी ऑथेंटिकली गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिश नहीं हुआ है, इसलिए अभी हम उस पर बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो इंटरनेट यूजर 660 मिलियन है भारत में, इसमें से ब्रॉडबैंड यूज करने वाले लोग हैं 82%, नैरोबैंड यूज करने वाले हैं 18%, ब्रॉडबैंड नैरोबैंड ये सब टेक्निकल टर्म्स हैं, ठीक है, आप समझ लीजिएगा। यहां पर वायर लाइन माने फिक्स्ड केबल से इंटरनेट को यूज करने वाले लोग हैं 2% और मोबाइल से इंटरनेट यूज करने वाले हैं 98%। पब्लिक सेक्टर का कंट्रीब्यूशन इंटरनेट प्रोवाइड करने में है 10% और प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है 90%, ठीक है, ये पूरा आंकड़ा यहां पर क्लियर हो गया। नंबर ऑफ पीसीओस, पर्सनल कॉल ऑफिसर्स, पीसीओ पहले हुआ करते थे, अभी भी कुछ जगहों पर है, तो पीसीओ की संख्या इस समय पूरे देश में है 2.55 लाख, 2009 में इसकी संख्या थी 62 लाख। अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि किस रेट से पीसीओ एसटीडी जो है वो कम हो गए, ठीक है। तो पीसीओ की में पीसीओ में ही एसटीडी की सुविधा होती थी, आईएसडी की सुविधा होती थी, तो पीसीओ एक बूथ होता है, ठीक है, प्राइवेट लोग उसको चलाते थे, आप जाइए पैसा देकर के जो है कॉल कीजिए। तो ये तमाम आंकड़े यहां पर हमने देखा, कुछ और आंकड़े हम टेलीकॉम सेक्टर से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इन आंकड़ों के माध्यम से हमें भारत के टेलीकॉम इंडस्ट्री को समझने में मदद मिलेगी। थैंक यू।